हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि सेल पोटेंशियल है क्या, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और किस पर्टिकुलर कंडीशन में हम सेल पोटेंशियल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, पहले हम ये समझेंगे। फिर उसके बाद हम ईएमएफ से बेस्ड यानी कि सेल पोटेंशियल से बेस्ड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि ई सेल यानी कि ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो टू पार्ट्स में होगा, पहले इसकी डेफिनेशन, देन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि सेल पोटेंशियल होता क्या है। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में आपने ये देखा था उसमें दो हाफ सेल होते हैं, एक तरफ आपका होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरी तरफ आपका क्या होता है रिडक्शन हाफ सेल, है ना। तो गैल्वेनिक सेल जो था हमारा वो टू हाफ सेल्स से मिलकर के बना था। ठीक है, अब इसके आगे की बात समझिए। ये जो दोनों हाफ सेल्स हैं, दोनों हाफ सेल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है आपके गैल्वेनिक सेल में, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। यानी कि हम सेल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, सेल पोटेंशियल की। ठीक है, अब इसके बाद ये समझिए कि सेल पोटेंशियल को हम ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब कहते हैं, किस पर्टिकुलर कंडीशन में कहते हैं। तो पर्टिकुलर कंडीशन वो ये है कि जब आपके गैल्वेनिक सेल में कोई करंट फ्लो नहीं होता, जब करंट का फ्लो नहीं होता, नो करंट इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनिक सेल, इन दैट कंडीशन सेल पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। ठीक है, मैं अपनी बात को फिर से बताती हूँ। हम सेल पोटेंशियल को ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस समय कहते हैं जब आपके उस गैल्वेनिक सेल में करंट का फ्लो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपका सेल पोटेंशियल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ। तो ये बात हो गई सेल पोटेंशियल के डेफिनेशन की और ये कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे कब कहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को नोट कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम आते हैं इसके यूनिट में और फिर इसके न्यूमेरिकल्स में। तो सेल पोटेंशियल को अगर हमें इन डेफिनेशन लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल ठीक है। तो आपका सेल पोटेंशियल क्या हो गया, सेल पोटेंशियल आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हो गया टू हाफ सेल्स का, किसमें, गैल्वेनिक सेल। और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन ऐड कर लीजिएगा कि व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनिक सेल, देन इन दैट कंडीशन सेल पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। ओके, तो अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी होती है क्या, वोल्ट्स। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। ओके, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि क्या इसको निकालने का कोई फॉर्मूला है। ऑफकोर्स फॉर्मूला है, तभी तो फॉर्मूला देखेंगे, तभी उसके बाद न्यूमेरिकल देख पाएंगे। तो सेल पोटेंशियल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो आपका ई सेल होता है, वो आपका ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, या फिर और हम इसी फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्स।
ऑक्सीडेशन, क्या लिख सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमारे पास एक इसका फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम ई सेल को यानी कि सेल पोटेंशियल को या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं इसको, ये देखते हैं कि इसमें किस तरह का न्यूमेरिकल बनता है और हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके न्यूमेरिकल पर चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं किस तरह का न्यूमेरिकल इसमें बनेगा। देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जाम में दे दिया ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट सेल लिख करके दे या ई सेल लिख करके दे, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए ई सेल को ही हम ई नॉट सेल उस स्टैंडर्ड कंडीशन में कहते हैं, ठीक है। ई सेल ही जो है वो ई नॉट सेल कब कहलाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में कहलाता है। तो चाहे आपको ई सेल कैलकुलेट करना हो तब भी आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और अगर आपको ई नॉट कैलकुलेट करना है तब भी आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। मतलब E सेल ही स्टैंडर्ड कंडीशन में E नॉट कहलाता है, ठीक। ये चीजें मैंने आपको लास्ट के वीडियोस में भी बताया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बन सकता है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है कि एक गैल्वेनिक सेल है जो कि बनी है आपके किससे, वो आपको इस तरह से दे रहा है, आपको दे रहा है ई क्रोमियम 3+/क्रोमियम, स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट दे सकता है, ठीक, माइनस 0.74 वोल्ट्स, ठीक है। और आपको कह रहा है कि वैल्यू दिया है ई नॉट, और आपको दिया है आयरन Fe2+Fe इज इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट। आपको कह रहा है कि एक गैल्वेनिक सेल है और वो गैल्वेनिक सेल जो है वो क्रोमियम और आयरन से बनी है, ठीक है। उसका एक हाफ सेल क्रोमियम है और दूसरा हाफ सेल क्या है, आयरन है। वो दो हाफ सेल से मिलकर के बना है। तो क्रोमियम के लिए वैल्यू इतना दिया है, क्रोमियम वाले हाफ सेल के लिए आपको ई नॉट की वैल्यू इतना दिया है, या कह लीजिए सेल पोटेंशियल इतना दिया है इन स्टैंडर्ड कंडीशन, और आयरन के लिए इतना दिया है। फिर आपसे कह रहा है कि इस सेल का ओवरऑल ई नॉट क्या होगा, इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, है ना, हमें ये निकालना है। तो इस पे कुछ टफ नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, ई सेल इज इक्वल टू क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मैंने आपको क्या कहा, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो आप इसको नॉट बना दीजिए, सेम फॉर्मूले को ई नॉट सेल कर दीजिए, ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मूला हमारे पास है और हमें कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत बच्चों को कहाँ पर होती है, बच्चे इसको डिसाइड नहीं कर पाते कि इसमें से ये, अगर हमारे पास दो हाफ सेल्स दिए हुए हैं, क्रोमियम दिया है आयरन दिया है, तो इसमें से किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसमें से कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। अगर वो कैथोड एनोड डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर ईसी की जगह क्या रखेंगे, ईए की जगह क्या रखना है, वो कैसे समझेंगे, है ना। तो मेन यहाँ पर बस हमें यही समझ लेना है कि हम ईसी और ईए को डिसाइड कैसे करें, कौन सा इसमें से ईसी है, कौन सा इसमें से ईए है, यानी ये कौन सा इसमें से कैथोड वाला है और कौन सा इसमें एनोड वाला है। एक बार हम ये डिसाइड करना सीख गए तो विश्वास मानिए इसका न्यूमेरिकल आपसे कभी गलत होगा ही नहीं। तो चलिए ये समझते हैं, क्या इसको समझने की कोई ट्रिक है, बिल्कुल हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लेंगे और समझेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं हो। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक देख लेते हैं। देखिए जो मेरे पास ट्रिक है वो ये है कि आपको क्या करना है, ये ई नॉट सेल की वैल्यू देखना है। जब भी ई नॉट सेल की वैल्यू मोर पॉजिटिव होती है, क्या होती है, मोर पॉजिटिव होती है, तो वहां होता है रिडक्शन, और रिडक्शन जहां होता है वो आपका क्या होता है, कैथोड होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और जब भी ई नॉट सेल की वैल्यू
आपको दी हुई हो कैसी, मोर नेगेटिव, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड में होता है। मतलब हम ई नॉट सेल की वैल्यू को, मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव को देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, अच्छा ये ट्रिक तो मैंने बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने कहा है कि पॉजिटिव वाले का रिडक्शन होगा, नेगेटिव वाले का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही जगह पर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में दी है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर एक प्लस देता एक माइनस देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जहां प्लस था उसको हम कहते रिडक्शन हो रहा है, और जहां माइनस होता उसको हम कह देते कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ तो दोनों माइनस में हो गया। अब क्या करें, कैसे डिसाइड करें। तो जब दोनों माइनस में दिया हो तो आप सिर्फ माइनस वाले को पकड़िए, बस ये देखिए कि मोर नेगेटिव कौन सा है। दोनों माइनस है तो दोनों माइनस में से जो मोर नेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, उसको एनोड बना दीजिए, जो बचेगा वो खुद में खुद क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैथ्स के जैसे नहीं देखना है कि माइनस के साथ बड़ी वैल्यू है तो वो छोटी हो जाएगी, है ना, ऐसे नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि अगर माइनस के साथ कोई बड़ी वैल्यू लिखी है तो उसका मतलब है कि वो मोर नेगेटिव, और अगर माइनस के साथ कोई छोटी वैल्यू लिखा है तो उसको हम ये मानेंगे कि वो लेस नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों माइनस है तो हमें इसमें से ये देखना है कि कौन सा मोर नेगेटिव है। ओके, तो मोर नेगेटिव कौन सा हो गया, ये वाला। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ 0.7 है, 0.74 है, और यहाँ पे माइनस के साथ 0.44 है, तो 7 इज बिगर देन 4, दैट्स व्हाई दिस इज मोर नेगेटिव। और अगर ये मोर नेगेटिव है तो हम ये मान लेंगे कि ये क्या है, एनोड है, और अगर एनोड डिसाइड हो गया तो फिर ये तो कैथोड डिसाइड हो ही गया, एनोड कैथोड डिसाइड हो गया। अब इसी वैल्यूज को हमें फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना होगा। तो चलिए अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सी नॉट माइनस ई ए। तो ई सी नॉट की जगह पर हम कौन सा रखेंगे, हम रखेंगे ये वाला रिडक्शन, मतलब कैथोड वाला, जहां पर रिडक्शन हो रहा है, इस वैल्यू को हमें पुट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ई सी नॉट की जगह पर माइनस 0.44 वोल्ट। फिर फॉर्मूले में हमारे पास माइनस है, माइनस हो गया, देन ई ए नॉट की वैल्यू रखेंगे। ई ए नॉट कौन सा है, ये वाला एनोड वाला, है ना। यहां पर क्या दिया है वैल्यू, यहां पर दिया है माइनस 0.74। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस आपका प्लस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप यहाँ पर माइनस करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4-4 इज इक्वल टू 0, 7-4 इज इक्वल टू 3.30, है ना, 0.30 वोल्ट। अब साइन कौन सा रखें, माइनस में रखें कि प्लस में रखें, ऑफकोर्स प्लस वाला बड़ा है, प्लस 7 है, और इधर तो इधर मतलब प्लस 0.7 है और इधर माइनस 0.4 है, तो ये बड़ा है, तो हमारा जो फाइनल साइन होगा आंसर में वो पॉजिटिव में होगा, तो ये हमारा 0.30 वोल्ट यहाँ पर आंसर आएगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, और ये हमारी ट्रिक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और डिस्कस करेंगे सेल पोटेंशियल से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।